हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल का, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओडिशा साफ ओरिएंटेड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जो कि है, पोस्ट है इसका एक्साइज कॉन्स्टेबल, जिसका पोस्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप काट सकते हैं। 12 अक्टूबर 2018 से शुरू होगा इसका जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और डेट इसका लास्ट डेट जो है 12 सितंबर नवंबर 2018। ऑनलाइन पेमेंट और एग्जामिनेशन फीस जो कि है आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 अक्टूबर 2018 से, लास्ट डेट रहेगा आपका 12 नवंबर 2018 तक। तो दोस्तों, इस तरह से इसका जो फॉर्म है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप जो कि आप फिलअप कर सकते हैं, या इस जॉब का डिटेल क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पोस्ट का दाम जो कि है एक्साइज कॉन्स्टेबल, जो कि इसका सैलरी रहेगा आपका 5000 से शुरू होगा, 20000 तक आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। इसके साथ साथ इसका जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 ईयर्स जो कि मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज जो कि है 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि एस सी एस टी के लिए एंड वोमेन के लिए 5 ईयर्स तक के एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग 37 के हैं SC ST के लिए, SC ST वोमेन के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है यहाँ पे, और क्या क्या क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना होगा। एन एप्लीकेंट इन ऑर्डर टू द एलिजिबल फॉर द पोस्ट मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब गुड कैरेक्टर, आपका गुड कैरेक्टर जो कि है यहाँ पे आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका और भी कुछ यहाँ पे है, मैं एक बार पढ़ के आप लोग को बोल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे थर्ड में जो कि लिखा हुआ, आ कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड मेंटल कंडीशन, बॉडली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज इन सर्विस। तो दोस्तों, यहाँ के जो कि फिजिकल फिट जिसको बोलता है यहाँ पे, उसके बारे में लिखा हुआ है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट इफ मैरिड मस्ट हैव बी मोर देन वन सपोज लिविंग, प्रोवाइड द गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट द सच मैरिज इन प्रिवेंशियल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू सर्च पर्सन ऑफ द आर ग्राउंड फॉर द डूइंग सो एक्सेप्ट एनी पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रूल। तो जो लोग मैरिज कैंडिडेट होगा उसके लिए यहाँ पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेंट क्लाइम रिजर्वेशन एंड एक्स सर्विस मैन मस्ट बी फर्निश एंड अंडरटेकिंग दैट दे हैव नॉट अवेल ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑफ इंडिया टिल द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो दोस्तों, उसके बाद एप्लीकेंट क्लाइमिंग रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सन मास प्रोसेस आइडेंटिटी कार्ड। तो दोस्तों, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है आप लोग, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है आपको वो देना होगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एग्जामिनेशन फीस जो यहाँ पे है 100 रुपीज़ आपको अप्लाई देना होगा फॉर ऑल कैंडिडेट। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट और अदर देन SC ST कैटेगरी हैव पे एग्जाम फीस 100 रुपीज़। तो आपको 100 रुपीज़ को जो कि फीस आपको देना होगा फॉर द एग्जामिनेशन फीस। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है 19 नवंबर 2018 तक। अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल एलिजिबल पर्सन हु हैव नॉट आइदर रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द एनी प्रीवियस रिक्रूटमेंट ऑफ द कमीशन हैव टू रजिस्टर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लिकिंग ऑन द बटन रजिस्टर। तो दोस्तों, इसके लिए मैं इसका जो लिंक है, ऑफिशियल के लिंक है, मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे
और कुछ अगर डिटेल है मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव देयर ओन पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल, सेलफोन नंबर, वैलिडिटी कंप्लेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस द रिसिपिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लाइक एक्टिवेशन की वेरियस अलर्ट। दोस्तों आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिडिटी वैलिड जो कि एक ईमेल आईडी उसके साथ साथ एक जो मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो उसके बाद आपका एप्लीकेशन के जो मैसेजेस या एसएमएस जो आपको वो लोग देंगे आपको इसके थ्रू आपको जो कि सेंड करेंगे, तो उसके बाद आपको जो जो वेरिफिकेशन करना होगा आपका डॉक्यूमेंट उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेजरी चालान, ई चालान, ई सपोर्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एग्जामिनेशन फी, आपका एग्जामिनेशन फीस आपको वो रखना होगा, उसके साथ साथ रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, तो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए इसके साथ साथ, एंड अंडरटेकिंग दैट हैज़ नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अदर डिस्ट्रिक्ट देन द डिस्ट्रिक्ट ही हैज़ अप्लाइड। उसके बाद बात करेंगे कैंडिडेट क्लाइमिंग रिजर्वेशन, SC/ST स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी शैल बी प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको क्वालिफिकेशन जो कि है यहाँ पे कुछ भी ठीक तरह से यहाँ पे नहीं लिखा है। तो दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूँ आपके जो जो सर्टिफिकेट है आप वो सब ले जाए, उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे फिजिकली मेंटली जो कि आपका टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकली के लिए जो मार्क्स देंगे यहाँ पे फिजिकली टेस्ट के लिए 3 मार्क्स होगा, उसके साथ साथ आपका फिजिकली एग्जामिन टेस्ट जो होगा उसके लिए भी 3 मार्क्स होगा। एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए आपको 7 मार्क्स एंड रिटन टेस्ट के लिए 60 मार्क्स, इस तरह से आपको 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपका हाइट वेट के बाद बात कर लेता हूँ। अनरिजर्व मेन के लिए यहाँ पे 168 सेमी फॉर मेन, वेट 55 kg, चेस्ट रहेगा 79 सेमी और एक्सपेंडेड 84 सेमी। वोमेन के लिए अनरिजर्व के लिए बात कर लेता हूँ, इसके लिए 158 सेमी फॉर हाइट, 47.5 kg फॉर वेट, यहाँ पे चेस्ट की कोई बात नहीं है। मेन के बारे में जो SC/ST के बारे में उसके बारे में बात कर लेता हूँ, हाइट जो है 163 और वेट है 50 kg, चेस्ट 76 सेमी और 81 सेमी एक्सपेंडेड। वुमेन के लिए 153 सेमी हाइट एंड 45 kg फॉर वेट। फिजिकली जो कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा फिजिकली फिट के लिए आपको रन होगा, हाई जंप होगा, इसके साथ साथ आपका रन होगा, हाई जंप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रन के लिए मार्क्स रहेगा आपको यहाँ पे 10 मार्क्स 5 मिनट, उसके बाद हाई जंप के लिए यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे देना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कुछ डिटेल मिल जाएगा अगर आप इस अगर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको OMR सीट देना होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एक्सरसाइज मैटर ट्रांसलेशन एंड रिट्रांसलेशन ऑफ उड़िया एंड इंग्लिश। तो ये था रिसेंटली जो कि आया है रिक्रूटमेंट ऑफ उड़ीसा एक्साइज जो कि स्टाफ सिलेक्शन के कॉन्स्टेबल के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, या अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।